तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ये गुफा है, ये एक सुरंग है जो, तो हम अब इस सुरंग से जब बाहर निकले थे तो अब इसी में से हम नीचे को जाएंगे। इसमें विशेष कार्य हुआ है ये हम मूर्तियां भी रखी हैं, पूजा पाठ ये सर, ये पुरानी मूर्तियां देखो, ये इन पे ना ये स्ट्रक्चर पुराना बना हुआ है, ये पूरा पुरानी मूर्तियां ये आज थोड़ी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, पूरा पूरा रिसर्च भी होगा। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे। दोस्तों आज का जो मेरा विषय है वार्तालाप का, दरअसल किस तरीके से हमारी जो यूथ जनरेशन आ रही है तो उनको स्कूल से ही अपने बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो पूर्वज और जो हमारे देवता जिनको हम पूजते हैं उनका इतिहास वाकई में क्या था, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है वो कहेगी कि कुछ ऐसे नाम के राजा ही नहीं थे और उनके कोई अवशेष ही नहीं है। हमें उन सबको बताना बहुत अति आवश्यक है कि हमारी यूथ जनरेशन को कि हमारे अवशेष हैं, हमारे देवी देवताओं के अवशेष आज भी दिखते हैं, वो स्थानों पर लेके जाना है उन बच्चों को। तो उसी प्रकार से जो आज की मेरी वीडियो में विषय है वार्तालाप का, हमारे योगेश बिष्ट जी ने और जीवन सिंह नेगी जी ने, स्कूल के प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह नेगी जी ने, कुलदीप मेहरा जी और भुवन कोठेट जी ने बहुत बढ़िया पहल करी और लखनपुर रंगीली बैराट जहाँ राजधानी थी कतिरू की वहाँ ले गए और बच्चों को शिक्षित करा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का एंट्रो, जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज 25 तारीख है और कल से स्कूल के जितने बच्चे हैं सब छुट्टियों में रहेंगे और एक महीने तक बिल्कुल बेफिक्र होकर सब अपने अपने घरों में, जो पहाड़ वगैरह इधर उधर रहते हैं तो घर में बेफिक्र होकर रहेंगे। आज मस्ती का दिन है। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने दिन है। तो दोस्तों इसी मस्ती के कार्य में जो हमारे योगेश सिंह बिष्ट जी ने और उनकी अन्य जो टीम थी, जीवन सिंह, जीवन मेहरा जी और स्कूल के जो प्रधानाचार्य जी जो स्कूल के थे, उनकी एक पहल थी कि आज बच्चों को टूर जो कराया जाए वो लखनपुर रंगली बैराट का कराया जाए। और दोस्तों स्कूल का जो नाम था, उस स्कूल का नाम भी मैं PNGGIC कुशरानी तल्ला मई थाना, ठीक है। दोस्तों यहाँ के जो बच्चे थे 300 बच्चे और 15 अध्यापक साथ में एक टोली बनाकर बच्चों को ले गए और रंगली बैराट में जब वहाँ ले गए तो दोस्तों मानो ऐसा लग रहा था कि साग साग जितने कतुरी राजा थे, राजवंशी थे, उनका जब इतिहास जाना, इन लोगों ने, बच्चों ने जाना वहाँ पर, तो इनको ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे ये उसी युग में चले गए हों और बच्चों के मन में एक से बढ़कर एक जिज्ञासा और सवाल इनके इतने थे, इन्होंने सब पूछे और वहाँ के जितने टीचर थे, टीचरों ने सबको बताया कि यार ये बच्चे, सब बच्चों को बताया कि ये हमारे राजा थे और यहाँ से कतुरी राजवंश राज करते थे। और दोस्तों ताजुब की बात यह है कि मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो भी दिखाऊँगा और वाइड भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से आज जो चार सुरंगें थी जगह जगहों के, एक सुरंग जैसे रानीबाग को आती थी, वो सुरंगों के आज भी अवशेष है। कम से कम 50 फुट अंदर को उस सुरंग में आज भी रास्ता है। तो जो गुरु प्रधानाचार्य जी थे और नेगी जी, योगेश बिष्ट जी, ये सब गए उस सुरंग के अंदर और इनने खुद वहाँ जाके एक अजीब सी शक्ति को महसूस करा। दोस्तों आज लखनपुर रंगली बैराट
को डेवलप करने के लिए हमसे जितना हो सके हमने योगदान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इष्ट हैं। वो उत्तराखंड को सबसे पहले अगर किसी लोगों ने बचाया है तो वो कतुरी राजवंश ने बचाया है। वो ताकत थी दोस्तों रंगली बैराट की, आज भी वो नौला वहाँ पर स्थित है जहाँ पर देवते नहाते हुए जाते हैं, और जहाँ मालूशाही को कैद करा था वो रंगली बैराट का रास्ता भी वो नदी से होके जाता है। दोस्तों ये सब देखने के लिए आपको उस स्थान पर जाना पड़ेगा। जैसी वो रॉल जैसा घूमता है, उस रॉल जैसे में जब नाचते हैं देवते कूद मार के, तो उसके बाद जो असली कतुरी राजवंश का होगा तो वो वहाँ से वापस आ जाएगा, और जो ऐसी नाच रहा होगा मनगढ़ंत तो वो वहीं से अंदर चले जाएगा। दोस्तों उनका आज भी बोला जाता है उसके अंदर महल है नदी के अंदर। ये सब बातें वहाँ पर हैं दोस्तों, ये देवी देवता बताते हैं। और किस तरीके से ये एक पहल है, इनने मुझे बोला हेम भाई हम लगातार आज की यूथ जनरेशन को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड के देवी देवता क्या चीज़ हैं, और हमें इनके बारे में जानना क्यों अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी धरोहर है। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि वीडियो में किस तरीके से योगेश जी और किस तरीके से प्रधानाचार्य जी ये लगातार अंदर तक गए सुरंगों के, और सुरंगों के रास्ते। तो दोस्तों ये आप जो
आपने वीडियो अच्छी देखी होगी और बच्चे जिस तरीके से गए वहाँ पर और लगातार मेहनत करने के बाद 100 मीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद जब लखनपुर पहुँचे और अग्नेरी माता के वहाँ जब इनने दर्शन करे, वहाँ पर इनके लिए बच्चों के लिए खाने पीने की सब चीज़ की व्यवस्था करी गई थी और बच्चों ने अपने बर्तन खाए और सुरक्षित स्थान पर जहाँ रखा हुआ था और सफाई का भी पूरा अपनी तरह से जितना हो सके बच्चों ने अपने हाथ से स्वयं करा। तो दोस्तों, ये लखनपुर रंगली बैराट के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया है आपको योगेश जी के माध्यम से बताया है और उनकी बहुत अच्छी पहल है। हेमचू पहाड़ी चैनल की तरफ से मैं उनको सलूट करता हूं और जो स्कूल के प्रधानाचार्य जी थे जो आज के यूथ हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, मैं उनको भी दिल से सलूट करता हूं। और जीवन नेगी जी जो इसको पूरा लीड कर रहे थे, मैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं जो हमारी यूथ जनरेशन को ये लगातार अपने देवी देवताओं के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं हेमचू पहाड़ी चैनल पर आप आगे भी ऐसी बने रहोगे। दोस्तों ऐसी सच्ची घटना और सच्ची कहानियां देवी देवताओं से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।